नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि भी। और शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज कश्मीर दौरा है। 370 हटने के बाद श्रीनगर का यह पहला दौरा है प्रधानमंत्री का। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। 5,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। पीएम यहां से केंद्र शासित प्रदेश को पीएम कई तोहफे देंगे। पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि मैं विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 7 मार्च को श्रीनगर में रहूंगा, जहां से विभिन्न विकास कार्य भी राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और पर्यटन से जुड़े विभिन्न कार्य भी राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। पीएम मोदी प्रसाद योजना के तहत हजरतबल के समन्वित विकास और सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट का शुभारम्भ करेंगे। इधर पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए पूरी घाटी को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू और श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झेलम नदी और डल झील में मार्कोस कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा घाटी के लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जहांगीर चौक से लेकर रामबाग और राजबाग से लेकर के एलडी हॉस्पिटल तुलसीबाग के बीच की ट्रैफिक सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक सस्पेंडेड रहेगी।